भागवत जिस प्रकार जीवन को परिपूर्ण करते हैं, इसका मतलब यह है कि जिसमें भजन कच्चा है, सेवा तो है लेकिन भजन कच्चा है। भागवत उसके भजन को परिपक्व करेगा, और जिसका भजन तो है लेकिन जो सेवा में कच्चे हैं, सेवा से जी चुराते हैं कि हम तो इतना भजन कर रहे हैं, हमें सेवा की कोई जरूरत नहीं, हम रात भर भजन करते हैं फिर हमें कोई सेवा की आवश्यकता। तो इस प्रकार वो भजन को महत्व देते हैं लेकिन जो सेवा में परिपक्व नहीं है, भागवत उसको सेवा में परिपक्व करें तो जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। जो भजन में कच्चे है, भजन परिपक्व हुआ तो फिर उसका जीवन इस प्रकार परिपूर्णता को प्राप्त होगा। और इसीलिए दो शब्द के बीच में सत्संग है, एक शब्द है सुमिरन, दूसरा शब्द है सेवा। सेवा और सुमिरन ये दोनों अद्भुत है, दोनों ही अद्भुत है, लेकिन मानव को दोनों के लिए अनुकूल करने का काम सत्संग करता है, इसलिए सत्संग सेतु है, भागवत सेतु है। कि भागवत के सेतु पर चढ़ करके सत्संग के सेतु का फायदा उठा लो तो भजन कच्चा होगा तो उसमें पूर्णता आ जाएगी, अगर सेवा कच्ची होगी तो उसमें परिपूर्णता आ जाएगी। क्योंकि सेवा करोगे, भजन नहीं करोगे तो सेवा में राग द्वेष जरूर होगा, सेवा में अहंकार जरूर होगा। हम सेवा शब्द से कथा की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि ये स्थान ही सेवानाथ जी महाराज जी का। तो सेवा और सुमिरन उसके बीच का जो सेतु है वो सत्संग है। सेवा चाहे जितनी करो लेकिन भजन नहीं है, माला नहीं जप सकते। अरे माला से जपो या जैसे जपो, लेकिन जो बैठ नहीं सकता थोड़ी देर के लिए भी, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट, खुद को पकड़ के जो व्यक्ति नहीं बैठ सकता, तब तक सेवा का रिएक्शन आ सकता है और सेवा का रिएक्शन विवाद बन जाता है। आप लोगों को इसका कम अनुभव होता है, हम साधु संतों को इसका ज्यादा अनुभव होता है कि सेवा वाले जितना विवाद करते उतना कोई नहीं करता। मैं ये क्यों करूं, ये इसकी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं थी, इसने छोड़ दिया, इसने ध्यान नहीं दिया। तो मतलब दो में से कौन गलत है? गलत कोई नहीं है, दोनों की एक ही गलती है कि भागवत में नहीं बैठा, यह गलती सत्संग ने क्या यही करते। सेवा में अहंकार रहेगा, सेवा में विवाद आ जाएगा, सेवा में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा राग द्वेष से भर जाएगा। क्योंकि भजन नहीं करोगे तो क्या होगा, भजन न करने से सेवा करने वाले को सेवा की लिस्ट मन में रहती है,